Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Today we will study of the mathematics class 8th. और जो आज का हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, यानी कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है नंबर्स की, वो किस तरह से है, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर की. द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स, होल नंबर्स में ए पोर्शन है. होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, जिसके कि आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो सभी नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं सभी होल नंबर्स कहलाते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सॉन. सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, यानी कि एडिशन में हमारे जो होल नंबर्स हैं वो क्लोज होते हैं. जिस तरह से सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 4 = 4 + 2. मतलब क्या है, 2 + 4 भी हमारा 6 होता है और 4 + 2 भी हमारा 6 होता है. तो इट इज़ ए होल नंबर, यानी कि जो हमारा ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 6 है, और 6 भी क्या एक होल नंबर है. सो दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज हियर. सेकंड एग्जांपल हम ले तो 0 + 8 या फिर 8 + 0 = 0 + 8 करें या 8 + 0 करें, बात दोनों ऐड होने पर 8 ही आता है. सो इट इज़ ए होल नंबर, यानी कि 8 भी क्या है, होल नंबर है. यहाँ भी 0 भी हमारा होल नंबर है, 8 भी हमारा होल नंबर है, राइट. ऊपर भी हमारा 2 भी हमारा होल नंबर था और यहाँ पर 4 भी हमारा होल नंबर था. तो होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आते हैं. सो 8 इज ऑल्सो ए होल नंबर. सो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी अप्लाई होती है हियर. इन जनरल ए प्लस बी इज होल नंबर व्हेन ए एंड बी आर द होल नंबर्स, यानी कि मतलब क्या है, ए और बी अगर हमारे दो होल नंबर्स हैं तो अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड भी कर देते हैं, सो ए प्लस बी होल नंबर्स हैं तो उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो एडिशन ऑफ द नंबर्स ऑल्सो विल बी द होल नंबर. बी की हम बात करें, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो सब्स्ट्रक्शन में क्लोज नहीं होते. सो आइए देखते हैं एग्जांपल में, 8 - 6 अगर हम करें तो इक्वल टू 2 हो जाता है, इट इज़ ए होल नंबर. यानी कि 2, यहाँ पर 8 भी क्या होल नंबर है, माइनस इसमें माइनस किया 6 को जो खुद भी एक होल नंबर है 6. अगर हम इसको प्रोडक्ट हम निकालें, इसको 8 - 6 करें तो आंसर आएगा हमारा 2. सो 2 भी क्या है, हमारा होल नंबर है. बट अगर हम 6 - 8 कर दें तो क्या होगा, प्लस का 6 है माइनस का 8 है, तो यहाँ -2 बचेगा. तो -2 जो क्या है, एक होल नंबर नहीं है, दिस इज ए इंटीजर, राइट. तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है. सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द सब्स्ट्रैक्शन, राइट. सब्स्ट्रैक्शन में जो हमारे प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं होती. हैंस 8 - 6 इज नॉट इक्वल टू 6 - 8. नाउ होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होते हैं, होल नंबर्स हमारे क्लोज्ड होते हैं. जैसे कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी इज़ ए होल नंबर व्हेन ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स. यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट 7 - 5, 7 भी अपने आप में होल नंबर है और 5 भी हमारा होल नंबर है, राइट. 7 - 5 कर देते हैं तो हमारा आता है 7 - 5 = 35. 35 भी हमारा क्या है, होल नंबर है. तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो जाती है यहाँ पर. दूसरा हम एग्जांपल लें तो 0 - 9, 0 होल नंबर है, 9 भी होल नंबर है. तो 0 में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की होती है वो भी क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है. सो इट इज़ ए होल नंबर. डी, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न. जो हमारे डिवीज़न के अंडर में जब हमारे होल नंबर्स होते हैं आर नॉट क्लोज्ड, वो क्लोज नहीं होते. जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, 7 को डिवाइड किया 5 से तो 7/5. 7/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है 7/5. सो दिस प्रॉपर्टी डजेंट अप्लाई इन द डिवीज़न. सिमिलरली वी कैन कैरी आउट द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ओके, एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न फॉर द नेचुरल नंबर्स. नाउ वी टॉक अबाउट द इंटीजर्स. अभी हमने बात की होल नंबर्स की, अब बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में. तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन. जो अंडर एडिशन में इंटीजर्स हमारे क्लोज्ड होते हैं, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए प्लस बी
वुड बी इंटीजर, अगर हमारा ए और बी इंटीजर्स होंगे तो ए प्लस बी भी हमारे इंटीजर्स ही होते हैं। देखिए सबसे पहला इंटीजर हमने थ्री, देखिए हमारे इंटीजर्स प्लस और माइनस में हो सकते हैं, थ्री प्लस माइनस का फाइव जो आप में इंटीजर्स हैं दोनों, इनको हमने ऐड किया राइट, प्लस माइनस माइनस, तो एक थ्री प्लस का और फाइव माइनस का, तो हमारा माइनस का टू बचा जो कि हमारा क्या है ऑल्सो है इंटीजर, माइनस टू ऑल्सो है इंटीजर, सो दिस प्रॉपर्टी अलाउस हियर। एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, माइनस थ्री जो कि इंटीजर है प्लस किया माइनस फोर जो वो भी एक इंटीजर है, आपस में ऐड किया तो माइनस का हमारा आ गया सेवन, सेवन माइनस का ये भी हमारा इंटीजर्स है, तो दिस प्रॉपर्टी अलाउस हियर। बी की हम बात करें, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन, जैसे कि पहला इंटीजर हमारा सेवन है, हमने माइनस किया माइनस फाइव जो कि हमारा इंटीजर है दूसरा राइट, तो माइनस माइनस प्लस, सेवन और प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व भी हमारा क्या है इंटीजर ही है क्योंकि हमारा इंटीजर प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल माइनस एट माइनस सेवन, ओके माइनस एट जो एग्जाम्पल है इंटीजर है माइनस एट, उसमें से माइनस किया सेवन को, दैट इज ऑल्सो इंटीजर इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, तो इनका जो माइनस करने के बाद हमारा माइनस फिफ्टीन आया वो भी आप अपने आप में इंटीजर है। सो दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज ऑन सब्सट्रैक्शन टू। नाउ सी इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं क्लोज्ड होते हैं। देखते हैं हम, वी हैव टू इंटीजर्स ए मल्टीप्लाई बी इज इंटीजर व्हेन ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर हमारे ए और बी कोई दिए गए इंटीजर्स हैं टू, तो वो मल्टीप्लाई अगर हम उसमें कर देते हैं तो प्रोडक्ट जो उनका आता है मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल सिक्स मल्टीप्लाई एट, सिक्स हमारा इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है, एट भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिक्स की मल्टीप्लाई एट में हम करेंगे तो हमारा आता है 48, तो 48 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके सो एट मल्टीप्लाई माइनस फोर, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया एट इंटीजर है, मल्टीप्लाई किया दूसरे इंटीजर माइनस फोर से तो हमारा आता है माइनस 32, सो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। बात करते हैं डिविजन की, सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोजर इन अंडर द डिविजन, डिविजन में वो इंटीजर हमारे जो होते हैं वो क्लोज्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्री को हमने डिवाइड कर दिया सेवन से तो हम इक्वल टू आएगा थ्री अपॉन सेवन, सो थ्री अपॉन सेवन इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ रेशनल नंबर। सो अंडर डिविजन इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड। नाउ वी टॉक अबाउट द रेशनल नंबर्स, इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो अप्लाई करेंगे वो किस तरह से होगा। ए रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे एडिशन के अंडर में क्लोज्ड होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दो अपने रेशनल नंबर लिए, ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स, देन ए प्लस बी वुड बी द रेशनल नंबर टू, यानी कि अगर हम ए प्लस बी कर दें तो वो भी हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया टू अपॉन थ्री जो कि एक रेशनल नंबर है, प्लस फोर अपॉन फाइव सेकेंड रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद 22 अपॉन 15, जो अपने आप में ऑल्सो ए रेशनल नंबर, सो दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज अंडर द एडिशन इन रेशनल नंबर टू। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं थ्री अपॉन फाइव प्लस माइनस वन अपॉन सेवन, ये माइनस का है लेकिन रेशनल नंबर है, इक्वल टू 16 अपॉन 35, जो हम इसे सोल्व करेंगे तो 16 अपॉन 35 होगा राइट, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, सो दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज इन एडिशन। नाउ रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर टू नंबर्स अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी कि हमारे जो टू नंबर्स रेशनल नंबर होंगे वो सब्सट्रैक्शन में भी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 5 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, हम आंसर हमारा जो आता है वो 1 अपॉन 18 आएगा अगर आप सोल्व करेंगे इसको, तो 1 अपॉन 18 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर हियर राइट, सो इन सब्सट्रैक्शन दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं माइनस 1 अपॉन 2 जो कि एक रेशनल नंबर है, माइनस किया 1 अपॉन 3 को सेकेंड रेशनल नंबर को, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमारा आएगा 5 अपॉन 6, तो 5 अपॉन 6 ऑल्सो ए रेशनल नंबर, सो दिस प्रॉपर्टी इज क्लोजर अंडर द सब्सट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लीकेशन टू, जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे क्लोज्ड होते हैं। इफ टू रेशनल नंबर्स आर पी एंड क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन,
गिव पी मल्टीप्लाई क्यू, देन पी मल्टीप्लाई क्यू विल बी ऑल्सो द रेशनल नंबर, यानी कि हम इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई का जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर हमारा होगा, वो भी हमारा इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है।